मेरे प्यारे दर्शक, आपको हाथ जोड़ के नमस्कार। क्योंकि कोरोना वायरस का समय चल रहा है, इसलिए हाथ जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर इसका समय नहीं होता तो हम हाय या हेलो कहते, तो इसलिए हाथ जोड़ के नमस्कार और स्वागत भी है हमारे चैनल पे आपका। आज हम इस वीडियो में आपको सैमसंग की टीवी रिपेयर करना बताएंगे। जो फॉल्ट ये है कि इसमें आवाज़ तो आती है लेकिन फिगर नहीं आता है। फिलहाल उसको हम दिखाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको नए नए वीडियो ला के देते रहेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आप पहले देखिए इसमें फॉल्ट क्या है। मैंने तो बता दिया है, लेकिन आप देख लीजिए। ये हम लगाते हैं इसको पावर में, ये लगा दिया। ये रहा रिमोट इसका, इसको हम ऑन करते हैं। ऑन हो गया। और इसको ए बी भी करना होगा, क्योंकि सैमसंग की टीवी है। अगर ओरिजिनल है तो इसको ए बी भी करना पड़ता है। ए बी भी कर लेंगे हम। देखिए आवाज तो आ गई है, तो ये ईंट की तरह मजबूत हो गई। हालांकि कहीं कहीं पर मजबूती के लिए लकड़ियों का, लेकिन फिगर नहीं है। तो हम इसी को रिपेयर करेंगे। तो चलिए रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, हमने इसके सारे स्क्रू को ओपन कर लिया है। अब हम इसके बॉडी को निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया। ये तो बहुत ही गंदा है, तो पहले इसको हम साफ कर लेंगे। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी फॉल्ट हो, आप हमें कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, हमने इसको साफ कर लिया है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, ये फॉल्ट कहाँ से है। ये पावर की लीड हमने निकाल ली है। अब हम इसको यहाँ पे लगा देंगे और सर्किट को हम पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको पावर में लगा लेंगे। पावर में ये देखिए, इसकी रेड एलईडी जल गई है। अब हम रिमोट से ऑन करेंगे। देखिए, ये ऑन होते ही ये एलईडी जल गई है, मतलब बंद हो गई है। तो ये भी कर लेंगे हम। फिलहाल ये भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइट तब भी आती है। तो हम इसको चेक करेंगे। अब चेक करने के लिए हमारा ये रहा मल्टीमीटर। अब हम इसका एक वायर पिक्चर ट्यूब के ग्राउंड पर लगा देंगे। ये रहा इसका ग्राउंड, ये हो गया। उसके बाद सबसे पहला काम, इसकी 110 सप्लाई को नापेंगे, 110 वोल्ट की सप्लाई। आप देखिए 110 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे है इसके, हम दिखाते हैं आपको करीब से। तो फ्रेंड्स, इसमें ये रहा इसका 110। तो इसको हम 250 वोल्ट पे रख के मीटर से अपने नापेंगे। तो चलिए इसको नाप लेते हैं। ये रहा हमारा मल्टीमीटर, आपको दिखाने के लिए हमने सर्किट के ऊपर रख दिया है। तो देखिए, ये 110 की सप्लाई जो है सिर्फ 50 वोल्ट बन रही है। ये यहीं पे कहीं फॉल्ट है। तो एक बार हम पहले ऊपर से देख लेंगे इसको, कहीं इसका कैपेसिटर तो लीकेज नहीं है। तो चलिए ऊपर से हम देखते हैं। सर्किट को हमने पलट दिया। ये रहा इसका बड़ा वाला, यही कैपेसिटर यही है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर से खुला हुआ है। हम निकाल को आप दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए आप इसकी पावर को निकालेंगे। उसके बाद सर्किट को पलट के शोल्डर से, ये रहा हमारा शोल्डर। अब हम इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये ऊपर से फूल गया है, मतलब कि यही ख़राब है। तो पहले सबसे पहला काम, हम इसको नया लगाएंगे। ये देख सकते हैं इसमें कितना नंबर है, ये 160 वोल्ट और 100 UF। तो हम इसको नया लगा लेते हैं।
फ्रेंड्स, ये देखिए एक कैपेसिटर है जो हमने एक सर्किट में से निकाल लिया है, और ये पुराना वाला इसका, तो इसको हम लगा लेंगे, फिर देखते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि हम अधिकतर पुराना सामान क्यों यूज करते हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो पुराना सामान होता है वो कंपनी का ब्रांडेड होता है, मतलब कि ओरिजिनल एकदम। तो ओरिजिनल सामान पे हम अधिक भरोसा करते हैं। फिलहाल मार्केट से आप जो भी लेंगे वो आपको लोकल ही मिलेगा। तो इसको हम सोल्ड कर लेंगे, अब सोल्ड कर लेते हैं। अधिकतर सामान आपको मार्केट में लोकल ही मिलेंगे, बहुत ही कम दुकानदार आपको ओरिजिनल सामान देंगे। तो इसको अब हम पावर में लगाते हैं। ये हमने लगाया पावर में इसको, इसकी रेड एलईडी आप देखिए। सॉरी, हमारा वायर निकल गया, हम लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको पावर में लगा लिया है। अब हम इसको रिमोट से ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया है। अब हम आगे चलेंगे टीवी की स्क्रीन पर। आप देखिए, जो हमने ये अपना शीशा लगाया है, आप इस पर भी देख सकते हैं, ये पिक्चर आ गई है। तो चलिए, हम आपको एकदम सामने से दिखाते हैं। उससे पहले हम इस सर्किट को इसके साँचे में पूरी तरह लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं, पावर को बंद कर देंगे। ये हो गया। जो जैक आपने जहां से निकाले थे आपको वो जैक वहीं पर लगा देना है। ये सनसुई की ब्रांडेड किट है, आप देख सकते हैं। चलिए, हम ले चलते हैं आपको टीवी की स्क्रीन पर। ये देखिए टीवी की स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने टीवी की स्क्रीन पर। अब इसको हम लगाते हैं पावर। अब हम चालू करेंगे इसको। ये दिया पावर, अब हम चालू करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस पे लाइट आ गई है। अब हम ऑडियो वीडियो जैक, हमने लीड लगा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जैक लीड जो हमारी पीछे की साइड गई है, हमने लगा दिया है। अब इसको हम ए भी करेंगे। और महासागर का नीला रंग बहुत देखिए, ये बनाता है पिक्चर एकदम फर्स्ट क्लास आ चुकी है। तो इसको अब हम पैक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए। तो आप ही में से कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि इन्होंने टीवी कैसे इतनी जल्दी बना ली। मैं आपको बता दूँ कि मैं बचपन से यही काम करता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी एक मैकेनिक हैं और उन्हीं के कारण ये काम मैंने सीख पाया है। तो आपको मैं एक अपनी सीक्रेट बताता हूँ कि मुझे इतना जल्दी कैसे पता चला कि यही सामान खराब होगा, यही पार्ट हमारा खराब है। तो देखिए, इसके बीच यही फार्मूला आता है कि जब भी आप टीवी ओपन करें तो सबसे पहले आप उसको साफ जरूर करें। साफ करने से होगा क्या कि जैसे ये कैपेसिटर है जो हमने इसको बदला है, कैपेसिटर है तो जब आप साफ करेंगे तो ये आपको साफ करते समय ही दिख जाएगा, हाँ लीकेज है।
अगर साफ नहीं करेंगे तो आप परेशान होते रहेंगे, वोल्टेज नापते रहेंगे कि हाँ पावर सप्लाई खराब है, ये खराब है, परेशान हो जाएंगे। लेकिन आज जब साफ कर देंगे बिल्कुल आपको क्लियर आपको समझ आ जाएगा हाँ यही खराब है। तो सबसे पहले आप उसको बदल देंगे जो आपको सामने दिखे, सबसे पहले आप उसको बदलिए। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का सीक्रेट, जो मेरा सीक्रेट है मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।